ये देखो, ये लिखा है धूम्रपान रहित क्षेत्र धूम्रपान। ये देखो, ये लिखा है धूम्रपान रहित क्षेत्र। इसी के टॉयलेट के पीछे बैठ के लोग बीड़ी फूंकते हैं, यहीं के स्कूल के लड़के। रात को ओस गिरा है। तो और बताओ क्या हालचाल है। अब बॉडी को ना आदत पड़ने लगा है उठने का। आज मेरा अलार्म से पहले ही नींद खुल गया, और एकदम खुल गया ना, मतलब फ्रेश हो गया मैं। फिर मैं अलार्म का वेट किया, अलार्म बजा, फिर उठा, फ्रेश हुआ और फिर निकल पड़ा जिम के लिए। तो अब धीरे धीरे आदत पड़ रहा है। ये आदत सही है, जो मैं आदत छोड़ के आ रहा हूँ वो बुरा है, ये आदत सही है। मैं पैदल जाता हूँ बोल के ना, मैं कोई जिम बैग कैरी नहीं करता। एक बॉटल रहता है वो हाथ में पकड़ लेता हूँ, रुमाल को रख लेता हूँ जेब में, हेडफोन भी जेब में। तो जब मैं वापस जा रहा होता हूँ तो लोगों को क्या लगता है कि ना मैं कोई नाइट शिफ्ट ड्यूटी करके आ रहा हूँ, ऐसी बॉटल वॉटल पकड़ के आता हूँ। तो क्योंकि 3-4 लोग मुझसे ना पूछ चुके हैं सुबह सुबह, जैसे वापस आ रहा हूँ 8-8 बजे, कि कहीं ड्यूटी जाता है, कहीं ड्यूटी जाता है। मैं बोला हाँ, काम तो करता हूँ पर नाइट शिफ्ट नहीं, दिन में। तो जब मैं पिछले बार जिम चालू किया था अपना 2019-20 में, तो मैं भी ऐसी फिटनेस के लिए चालू किया था, बट वो मेरे को ले गया था पावर लिफ्टिंग की तरफ, जिसमें मेरे को बहुत सारा मेडल मिला, स्टेट खेला, नेशनल खेला, बहुत मज़ा आया। अब इस बार चालू किया हूँ फिटनेस के लिए, देखते हैं अब इस बार फिर कहाँ ले जाता है ये। सनराइज, उगता हुआ सूरज, ये सब देखने में बड़ा मज़ा आता है। मैं फ़ोन में उतना अच्छा नहीं दिखा सकता आपको, बट मैं जो आँख से देख रहा हूँ वो बहुत सही चीज़ है। मैं जो आपको ये सनराइज़ वाला भी क्लिप दिखाया ना, तो उस समय ठीक ये भैया मेरे पीछे आ रहे थे, एकदम पीछे ना, जैसे एकदम चिपक के वो क्रॉस कर गए मेरे को। बट अब उनको फ़र्क पड़ा हो ना पड़ा हो, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अरे क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, कि क्या रास्ते में खड़े होकर वीडियो बना रहा है, ये सब चल रहा है मेरे दिमाग में। उनको घंटा नहीं फ़र्क पड़ा होगा, बट मेरे को फ़र्क पड़ रहा है। नहीं पड़ना चाहिए, जबकि भाई अपना काम तुम करते चलो, कोई कुछ भी कहे। तो भाई पहुँच गए जी, दूर से मेरे को कोई गाड़ी नहीं दिखा, तो मेरे को लगा भाई आज भी बंद है क्या। तो मैं भाई ग्रुप चेक कर रहा था, कोई मैसेज वैसेज तो नहीं आया है। ये होता है सुबह आईने के फायदे, खाली है पूरा, क्यों करने करो पैंट, कोई नहीं है। भाई आज का भी सेशन खत्म। भाई आज मारे अपन चेस्ट और बैक है, आज बहुत तोड़ा भयानक तोड़ा हूँ शरीर को, एकदम दबा दबा के एकदम। सर अब पैदल घर जाना है, सुबह सुबह का धूप 7:30 के आसपास कुछ हो रहा है, घर चलते हैं भाई, घर चलो। तो अभी मैं बॉडी ढीला छोड़ के ये सोच के चले जा रहा हूँ कि भाई जब घर आ जाएगा तब पैर रोक देना है, बहुत ज़्यादा ही एग्जॉस्टेड हुआ आज। सुन रहे हो सायरन, 8 बज गया। भूख लग रहा है, मेरा वॉशिंग मशीन यहाँ से बजता है जब भूल जाता है तो। सर नींद में बज जाए तो आदमी को हार्ट अटैक आ जाए उठने से पहले। तो मम्मी अभी गई हुई है वहीं आंटी के पास, बताया था आपको कल। और उनके जाने के बाद या उनके रहते रहते भी मैंने भाई रील्स देख देख के बहुत समय बर्बाद कर दिया। जिम से आने के बाद बैठ के बस एक दोस्त ने रील भेजा, उसको देखा, उसके बाद भाई करते गया करते गया करते गया करते गया,
बिल्कुल पूरा ही समय वेस्ट कर दिया। आज मेरे को बाल धोना था, शैम्पू करना था, मतलब कल ऑयल लगाया था बोल के वो भी नहीं किया, मतलब पूरा समय रील्स में चला गया सारा। वो एंडलेसली चलता रह जाता है, देखते 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 दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है एकदम। आज से बता रहा हूँ मैं रील्स देखना बंद, अभी नाश्ता कर रहा हूँ, आज से रील्स देखना बंद भाई। बहुत समय ले गया भाई, मैं कितने बजे 8:30 बजे आया हूँ जिम से, अभी 9:45 के आसपास हो रहा है, 9:45, हाँ इसमें दिख नहीं रहा, 9:45 के आसपास हो रहा है, 9:45 नहीं 10:45, सॉरी 10:45, ऑन अपॉन टाइम को समझ नहीं आता, 10:45 वो हो रहा है। बहुत समय वेस्ट किया, नहा धो लिया और रेडी हूँ, ऑफिस निकलेंगे, साला लाइट भी गोल है, तो गलत टाइम में सब चीज़ें सब एक साथ हो जाती है, जल्दी से नाश्ता करना है और भागना है ऑफिस। Later that same evening. तो मैं ना बहुत दिन से एक रूटीन सोच रखा था जहां मैं सनराइज भी देखूं और सनसेट भी देखूं। तो वहां हो रहा है सनसेट, और सनराइज तो सुबह अपन ने देखा ही है, बाकी अभी तक वो वाला वीडियो एडिट नहीं हुआ है जो आपने अभी तक शायद देख चुका होगा, तो मैं पता नहीं कैसे टाइम पे करूंगा, बट आज वो वीडियो जाएगी, गई होगी क्योंकि आपने देख लिया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कुछ कमेंट छोड़ देना नीचे, और नए हो तो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, टिल देन शो सम लव टू एवरीवन, इसको भी प्यार दिखाओ, बाय।